चालू कर जी, चालू है सर? अभी चालू नहीं किया। चालू है, चालू है, चालू है ना। अब ये जैसे आपका बोर्ड है, इसके बोर्ड पे मैंने ये वर्तियानोव लगा दिया है ना। ये आपका 34 पिन का है, तो उस हिसाब से मैंने अपने केबल सेट में देखा कि जनरली आपको जो ये आता है ना, एक तो आता है ये 1 mm की पिच में होती है, और ये आती है आपके 0.8 mm की पिच में। तो मैंने अपने अंदाजे से 0.8 mm का ये केबल लगा लिया है ना। कितने पिन का है नहीं है उतना मैंने अंदाजा नहीं किया, बस लगा लिया कि बाकी मैं इस पर देखूँगा। तो कनेक्टिविटी इसकी यही है, ये आप टाइप सी का केबल डायरेक्ट लगा लोगे अपने सिस्टम के साथ, और ये आपको इस तरह कनेक्शन ले लेना है ना। बस आपको केबल देख लेना कि ये पिच अगर आपकी 1 mm की है तो 1 mm की केबल लेना है ना, और कितने पिन की केबल लगानी है, 26 की 28, वो आपको यहाँ से भी एक आइडिया लग जाता है। ये यहाँ पर इसका शॉर्टकट है सक्सेसर का, देखिए सक्सेसर, ये रहा शॉर्टकट। अब ये कनेक्ट हो गया, अगर ये ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब ये कनेक्ट है, कनेक्टिविटी मेरी प्रॉपर है, ठीक है ना। इसमें करना क्या है आपको, जैसे कि हमें इसको आयो को प्रोग्राम करना है ना। तो आयो जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इसमें आप ये वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, आईटी वाले ऑप्शन पे, आईटी यानी नोवोटोन, दो ऑप्शन आ रहे हैं, आपने आईटी को ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर आपको डाटाबेस सर्च करना है, तो आपका जैसे NM-E111 है, तो मैं यहाँ पर ऐसे आया, अगर मैं केबल नहीं भी कनेक्ट करता तो मेरे को इससे एक आइडिया लग जाता है। देखिए आपने इसको इस पे ट्राई किया था, इनिट पे ट्राई किया ना। देखिए ये वाला है, हाँ। है ना, 34 पिन्स का है टोटल आपका, 34 ये जब इस पे डाला ना तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मिल जाता है, पिन काउंट 34, पिच कितना है 08 का, है ना, ये चीज मेरे को मिल गया। और मैंने इसमें देखा कि सबसे लास्ट नंबर क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे सबसे लास्ट नंबर आपका 26 आ रहा है, मतलब मेरा ये जो केबल है अगर 26 पिन का भी होगा तो मेरा काम बन जाएगा। अगर आपका 28 है तो भी अच्छा है, 30 है तो भी अच्छा है, मिनिमम 26 पिन का केबल चाहिए। तो ये केबल मैंने ले लिया, अप्लाई सेटिंग्स कर देना आपको, अप्लाई सेटिंग्स करके अब यहाँ पर FFC यूज पिन्स, तो हमने यहाँ पर 28 पिन्स यूज किया है, आप 28 ले लो, 30 ले लो, कोई भी ले लो, फिलहाल मैंने 28 पे लिया। और इसको आप 8A लेना, वन साइड में ये A लेना, ये लेकर के इस तरह का ऑप्शन देगा, और उसके बाद गेट ECID, जब ये करोगे ना ये हाईलाइट हो जाएगा, रीड राइट हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया समझ लो आपका काम बन गया। अगर ये हाईलाइट नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। और आपका जब ये हाईलाइट हो गया ना, दैट मीन्स मेरा रीड राइट भी हो जाएगा। तो जैसे मुझे रीड करना है ना, मेरे को डाटा इसका रीड करना है, मैं रीड कर लेता हूँ, ये देखिए ये रीड करना हो गया, स्टार्ट रीड हो गया मेरा। अब मुझे इसको क्या करना है, डाटा को सेव करना है, तो मैं सेव फाइल करूँगा, और ये डेस्कटॉप पे ही मैंने इसी नाम से आपका सेव कर दिया है ना, ये मेरा डाटा हो गया सेव। अब मुझे अगर डाटा इसमें दूसरा डालना है, क्योंकि आपने बोला कि पासवर्ड की दिक्कत है, तो मैं यहाँ पर पहले लोड फाइल कर लूँगा, लोड फाइल पे जाऊँगा, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने इसका डाटा टेलीग्राम से निकाल लिया है, NM-E111 है ना, ये लेकर के मैं इसको ओपन किया, और फिर फाइनली राइट पे क्लिक करना है, श्योर यस कर दीजिए, तो डाटा पुराना डाटा आपका इरेज हो जाएगा और नया डाटा इस पे देखिए ये राइट हो गया। तो आप देखो वर्तियानोव है, तो आपका कौन सा चिप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लिया ना अपना। अच्छा, इसका मेरे पास इमेज है क्या, मैं एक बार इमेज देख लेता हूँ इसका, अगर इमेज है NM-E111 इमेज तो नहीं है मेरे पास इसका, यही वाला बोर्ड है ना आपका, और इसमें आपके आयो चिप ये वाली है, इलेवन जनरेशन है, इमेज है ना आपकी आयो चिप बैक साइड वाली है क्या, ये है आपके आयो चिप है ना, बॉल वाली, बॉल वाले आयो चिप है ना, लेनोवो जो है बॉल चिप है, IT8227VG वाला। तो ये आपका देखिए फिलहाल यहाँ पर हो गया है काम,
ये मेरा हो गया वेरीफाई हो चुका है और कुछ यहाँ पर आया डाटा डज नॉट मैच, इस तरह का एरर आया। अब ये अलग बात हो सकता है कि डाटा मेरा यहाँ पर मैच नहीं किया हुआ, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विद डिफरेंस। कोई नहीं, एक बार हम ट्राई करके देखेंगे या फिर इसका मेरे को दोबारा इसका बैकअप से बायस बनाना पड़ेगा। एक काम मैं कर लेता हूँ, इसका बायस का अगर बैकअप है मेरे पास कहीं पे तो मैं वो भी ट्राई कर लूँगा, जैसे कि NM-E111 कोई बायस पड़ा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये किसी ने बंदे ने डाल रखा है, ये बायस यहाँ पर डाल रखा है ना, तो इससे भी आप चाहो तो इसी बना सकते हो। इसी बनाने के लिए सिंपल है ना, NM-E111 रीड क्या हुआ है, जैसे इसको मैंने लिया, अगर आपको इसी बनाना हो सो इन फोल्डर इसी फाइंडर है ना, कट करके आप इसको यहाँ पे ले आओ। फिलहाल तो यहाँ पे काम मेरा हो गया, 100% आ गया है, फिर भी मैं आपको एक स्टेप्स और आगे बता देता हूँ। आप इसको ओपन कर लेना, ये इसी फाइंडर होता है ना, इसी फाइंडर, इसी फाइंडर से भी आपका काम बन जाएगा ये। अच्छा ये अभी एक सेकंड, इसी फाइंडर का ड्रैग एंड ड्रॉप, एक्चुअली डेस्कटॉप पे मेरा इतना चीज रहता है ना, मैं कई बार भूल जाता हूँ कहाँ पे क्या चीज़ है। मेरा इसी फाइंडर, इसी फाइंडर, आजा भाई इस पर क्यों नहीं ले रहा है, क्या बन रहा है, ऐसे करके नहीं हुआ तो मैंने ऐसे करके ले लेना है, डेस्कटॉप डायरेक्ट है ना। कौन सी फाइल थी ये वाली थी, रीड विंडो ओपन कर लेंगे। अब आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे ना, आपका क्या 256 का है, 256 का है ना, तो 256 है तो फोर नंबर करके आपको पता कैसे चलेगा 256 है। देखिए मैंने रीड किया है, ये रीड किया है, कितने का रीड हुआ एक बार देख लीजिए आप, प्रॉपर्टीज में गया मैं, 256 के भी का है ना, तो आप यहाँ पर फोर टाइप करके एंटर कर दोगे, वेट करोगे, देखिए यहाँ पर कहीं बन के आ गया, ये इस तरह आप देखोगे ये 256 के भी का बन के आ जाता है ना। तो डाटा फिलहाल वो मिसमैच बता रहा है, लेकिन अब मेरे को डिस्प्ले पे एक बार देखना होगा, नहीं तो फिर दूसरा डाटा डाल के ट्राई करना पड़ेगा। फिलहाल जो मेरा काम था रीड राइट करना, आपने यही देखना था ना, रीड राइट इजीली होता है कि नहीं होता है, तो देखो इजीली रीड राइट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इवन मैंने फर्स्ट टाइम किया इस पर है ना, और मेरा आराम से हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये तो मैंने अंदाजे में लगा दिया था केबल की, चलो लगा के देखता हूँ, अभी बंद करते हैं इसको, ऑफ करते हैं, और एक काम करता हूँ मैं, ऑन तो हुआ है मतलब डाटा तो सही से गया। अब डिस्प्ले का अगर ये टाइप सी ले लिया अब तो ठीक है, ये डिस्प्ले का टाइप सी क्योंकि लेगा मेरे ख्याल से, लेना चाहिए इसको। अरे भैया आ जा, अब वो आपको देखना पड़ेगा पासवर्ड गया कि नहीं गया, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मेरे लैपटॉप पे तो टाइप सी ले लेता है, इस पर भी आ जाना चाहिए था। वैसे देखिए रीड राइट सक्सेस हुआ तभी एम्पियर आपका डिस्प्ले वाला लिया है ना, इसमें भी देख सकते हैं डिस्प्ले, लेकिन पासवर्ड गया नहीं गया चेक नहीं कर सकते, तो मशीन से जुड़ा है, हो सकता है ये इस पे विंडो पे आने के बाद आता हो, यूएसबी है ना, विंडो आने के बाद आता हो, इस पे तो नहीं आया है, बाद में मैं कीबोर्ड पे देख लेता हूँ। डिस्प्ले है आपका ना, ये देखिए ये लहराया ना, मतलब मेरा डिस्प्ले है, इस पर डिस्प्ले आपका है। बाद में अगर आप स्क्रीन वगैरह लाते तो मैं बाकी चीज़ें पता कर लेता इसका, कैप्स रखा रहा है ये, एक बार लहराया तो डिस्प्ले तो आया है मेरा इसका। ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है।
नहीं लाया है इसके एच डी एम आई रहेगा बोल के सोच के नहीं लाया हूँ मैं स्क्रीन में नहीं तो स्क्रीन भी लाने वाला एक आइडिया लग जाता मेरे को डिस्प्ले का है ना। बाद में कि जैसा आपका ऑन हो रहा था वैसे तो ये ऑन की कंडीशन में आ रहा है, देख रहे हैं ये एम्पियर आपका डिस्प्ले वाला ले रहा है, पूरा का पूरा डिस्प्ले एम्पियर वाला ले रहा है आपका, बढ़िया ना। हाँ, वो डिस्प्ले है नहीं है वो मैंने यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं किया, मैंने बस आपको रीड राइट करके दिखा दिया कि हाँ मेरा जो ये प्रोग्रामर है मेरा रीड राइट, देखिए डिस्प्ले एक बार ये आया ना मतलब डिस्प्ले आया है ना, इस पर डिस्प्ले आया है तभी ये आपको इस एम्पियर पे गया है, बाकी ये स्क्रीन कनेक्ट रहता तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर इस पर दिखा देता। अब वो पासवर्ड गया कि नहीं गया अब आपको देख लेना है ना, पासवर्ड गया पासवर्ड आ रहा है क्या देख लो, कंट्रोल टूट गया पासवर्ड है ना। अब वो कीबोर्ड इस पर नहीं काम कर रहा, क्या है वो देख लीजिएगा बाद में कि मेरा पासवर्ड था, पासवर्ड आपका बंद जा चुका है बहुत आसानी से। ये आपने कौन सा 11 जनरेशन है, 11 जनरेशन का पासवर्ड हमने अनलॉक कर दिया, इससे पहले आपका पासवर्ड था। तो यहाँ पर जो ये पासवर्ड गया कैसे गया आपने देख लिया ना, तो यही आपका पूरा का पूरा केस था। अब आप डिसाइड कर लेना आपको वर्तियानो लेना है नहीं लेने का। देखिए अगर आपका ऑन बोर्ड मतलब वीजीए वाला आयो चिप है ठीक है ना, बेस्ट है ये है ना, ये बेस्ट है। मैं भी आप इनिट से आपने देखा है ट्राई करके यूज कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, रीड राइट नहीं हुआ था नहीं, बीजी एरर आ रहा वो सर, वो बीजी एरर किसी और वजह से भी आ सकता, मैं वो नहीं बोल सकता हूँ है ना वो।